आप सभी लोग आए दिन सुनते रहते होंगे कि हमारी पाकिस्तान को से लेकर सीमा विवाद है, उसमें हमारे झड़प भी होती रहती है। आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि लद्दाख में अभी कुछ ही समय पहले चाइना से भी हमारी झड़प हुई थी। आप लोगों ने नेपाल से भी देखा होगा कि हमारा सीमा विवाद चल रहा है। बांग्लादेश से भी आप लोगों ने सुना होगा। ये तो देखिए आम बात है, एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन जब हमारे ही देश के भीतर राज्यों के बीच इस तरह की कोई मतलब सीमा विवाद हो, उसमें हमारे सैनिक शहीद हों, तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। कि मतलब हम बाहरी दुश्मनों से तो लड़ ही रहे हैं, और घर में ही आप सोचिए कि हमारे सैनिकों को सुरक्षित नहीं रह पा रहे, तो ये आप सोचिए कि चिंता का कारण भी बन जाता है। पाकिस्तान को हम लोग लड़ते रहते हैं, हमारे सैनिक शहीद भी होते हैं। पिछली बार भी आपने देखा है, चाइना से भी हमारी हुई झड़प, उसमें भी हमारे सैनिक शहीद हुए। मैं अभी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि जो असम और मिजोरम है, इसके सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई है, उसमें हमारे 6 जवान शहीद भी हुए। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि आपका देख लेंगे इसका, इस विवाद का आखिर इतिहास कहाँ से शुरू होता है। और आपने देखा होगा कि सन 2018 में भी झड़प हुई थी, फिर आपने देखा होगा कि इस तरह की झड़प आपकी 2020 में अगस्त के आसपास भी हुई थी। तो इसका आखिर जन्म कहाँ से हुआ, इस विवाद का, और जन्म का एक तरह से आप कह सकते हैं विवाद का कारण क्या है एक तरह से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे कई बार पूछ लेता है, ठीक है, आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है। तो देखिए आप लोग एक बार असम को देख लीजिए आप लोग, ये आपको असम देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना हो, इसकी राजधानी आपकी दिसपुर है इसकी, और अगर हम लोग बात करें इसके स्टेट बनने की, तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था ना पूरी तरह से, उसी दिन इसे स्टेट का दर्जा मिल गया था, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 126 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ, असम में। अगर हम लोग असम से लगे हुए राज्यों की और देशों की बात करें, तो एक तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा असम से लगती है, मेघालय की भी लगती है, यहाँ आप जाएंगे त्रिपुरा की भी लग रही है, मिजोरम की भी लग रही है, मणिपुर की भी लग रही है, और नागालैंड की भी लग रही है, और ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश की भी लग रही है। तो इन सभी राज्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है और इसकी सीमा भूटान से भी लगती है। यहीं देख लेते हैं आपका मिजोरम भी, देखिए मिजोरम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी आप सही सभी जानते हैं कि आइजोल है। और इसे अगर हम लोग राज्य के दर्जे की बात करें, तो 20 फरवरी 1987 में इसके राज्य बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ विधानसभा सीटें आप देखेंगे 40 हैं, लोकसभा सीट एक है और राज्यसभा सीट भी एक है। अगर इससे लगे हुए हम लोग देशों की बात करें, तो बांग्लादेश की सीमा आपकी मिजोरम से लगती है और म्यांमार से भी इसकी सीमा लगती है। वहीं अगर हम लोग राज्यों से बात करें, तो त्रिपुरा से लगती है, असम से तो लगेगी, असम भी सीमा विवाद है, तो और आपकी मणिपुर से भी है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए, आपकी परीक्षाओं में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है, कौन से देश से लगती है, कौन से देश से नहीं लगती है, कितने राज्यों से लगती है। ये तो मुझे लगता है कि अपने मैप को आप लोग देख लिया करिएगा और बहुत अच्छे से याद भी कर लिया करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस विवाद को, इस विवाद की जड़ की अगर हम लोग बात करें, तो आप देखिए बहुत पुराना है। कितना पुराना है, बहुत पुराना तो है। तो इस विवाद की जड़ आप देखेंगे कि लेक सीमांकन यानी कि सीमा को लेकर 1875 और 1933 में आए दो अलग अलग नोटिफिकेशन ही इसकी जड़ है, समझ रहे। एक तो आया था 1875 में, दूसरा आया था आपका 1933 में, कब, 1933 में। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी माना जाता है कि मिजोरम का मानना है कि सीमांकन 1875 की नोटिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। इसका मतलब आप समझे कि मिजोरम चाहता है कि जो 1875 में नोटिफिकेशन आया था, जो सीमा निर्धारण की गई थी, उसी के हिसाब से होना चाहिए।
और आप देखते हैं कि जो मिजोरम के नेता हैं, और इस आधार पर वो 1933 में जो आपका सीमांकन नोटिफिकेशन आया था इसे ही खारिज कर देते हैं। वहीं अगर हम लोग असम की बात करें तो 1933 के सीमांकन को मानती है, और इसी में विवाद है। असम 1875 की सीमांकन को नहीं मानती है जो नोटिफिकेशन आया था। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, यहाँ की जो समाज है, यहाँ का जो जनसंख्या है, उनसे बात नहीं होती है। यहाँ नेता ही आप देखते हैं कि झड़प इस तरह से उनका ही हाथ रहता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नेता जो कह देते हैं अधिकतर जनता उन्हीं की बात मान लेती है। तो ये भी देखा जा रहा है। तो इन दोनों को नोटिफिकेशन को आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। मिजोरम के 3 जिले, एक आप आइजल, कोलासिब और मामित की 164.6 किलोमीटर की सीमा असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों से लगती है। मिजोरम के जो 3 जिले हैं, एक आइजल, एक कोलासिब, एक मामित, इसकी जो 164-165 लगभग आप कह सकते हैं किलोमीटर की सीमा है, ये असम के कछार, करीमगंज, हैलाकांडी इन जिलों से लगती है। और मिजोरम का आरोप है कि असम ने इसके कोलासिब जिले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और वहीं आप देखेंगे असम के अधिकारी कहते हैं कि मिजोरम ने उसके हैलाकांडी जिले में 10 किलोमीटर अंदर तक निर्माण किया हुआ है और केले आदि की खेती को बढ़ावा दिया है। मुझे लगता है कि देखिए देशों से अलग बात हो जाती है, कम से कम हमारे राज्यों से तो आपसी सब इस तरह के मतभेद थे सीमाओं को लेकर, उनका समाधान हो जाना चाहिए था। ये आप कह सकते हैं कि हमारे नेताओं की फेलियर कही है, जो भी आपको कहना है, क्योंकि असम और मिजोरम की बात ही नहीं है, आपको बताएंगे और आगे चल के बहुत सारे राज्यों में सीमा विवाद लेकर चलता रहता है, वो सामंजस्य नहीं है। बाहरी देशों की अलग बात हो जाती है, लेकिन कम से कम हमें अपने अंदर तो इस तरह की समाधान निकाल लेना चाहिए कुछ। तो ये कहानी है आपकी किसकी? मिजोरम और असम की। अब देख लीजिए कुछ और भी राज्य हैं आपके, जैसे आप लोग महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सीमा विवाद देख सुनते रहते हैं। बता देता हूं, महाराष्ट्र और ये आपको देखने को, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, इनका भी आप देखते हैं सीमा विवाद है। उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र वहां के कुछ मराठी भाषी सीमाओं इलाकों को अपनी सीमा में चाहता है, कहाँ? कर्नाटक के। आपने कर्नाटक को केरल के बीच केरल के कासरगोड जिले को लेकर भी विवाद देखा होगा, समझ रहे हैं आप लोग? देख लीजिए, ये कर्नाटक हो गया आपका, और केरल यहीं आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है, इनमें भी विवाद चल रहा है। नदियों की धारा में बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ सीमाई इलाकों में भी विवाद है। अब देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हो गया आपका और बिहार आपको देखने को मिलेगा, इनमें भी विवाद चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की भी 63 गांव को लेकर विवाद है जो अभी उड़ीसा की सीमा में आते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा और ये आपका आंध्र प्रदेश, तो इनमें भी विवाद चल रहा है, इसका भी समाधान नहीं निकल पाया। उड़ीसा का आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ भी 7 गांव को लेकर विवाद है। अब आप कहेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य बना था सन 2000 में, और ये आपका उड़ीसा, इन दोनों में भी सीमा विवाद चल रहा है आपका। उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज जिले के 5 गांव को लेकर विवाद चल रहा है, इन्हें भी देख लीजिए, ये आपका उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, तो आप समझिए उड़ीसा के तो तीनों तरफ विवाद चल रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ को लेकर विवाद चल रहा है, और आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी भी अभी आप देखते हैं कि चंडीगढ़ बनाई गई है दोनों की, ये आपको देखने को मिलेगा, और केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिमला व देहरादून जिलों के बीच 6 स्थानों पर विवाद है, हिमाचल और आपका क्या, ये हिमाचल और उत्तराखंड के बीच। और आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कुछ हिस्से को लेकर भी विवाद है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कहानी है आपके राज्यों में विवाद की, और मुझे लगता है जितने जल्दी इसका समाधान हो जाए उतनी अच्छी बात है।
क्योंकि घर में ही लड़ना मुझे लगता है कि सही नहीं, भी नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। हम बाहरी शक्तियों से तो लड़ ही रहे हैं, अगर हमारे सैनिक, अगर आप सोचिए घर की लड़ाई से अगर शहीद होते हैं, तो आप समझ सकते हैं इससे बड़ी चिंता क्या हो सकती है। फिलहाल इन पॉइंटों को आप लोग वैसे भी याद रखिए, और परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोग याद रखिएगा।